आत्मा और पुनर्जन्म दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे आज भी अलग अलग विचार हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में इस बात का खुलासा किया है कि भगवान बुद्ध ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग जिस आशय के साथ किया है वह वैदिक मान्यताओं से भिन्न है। पुनर्जन्म किसी चीज का होता है या किसी व्यक्ति का? क्या यह संभव है जानना कि पूर्व जन्म में कोई क्या होकर जन्मा था? इस जन्म में जो है वह आगे क्या बनकर पैदा होगा? जातक कथाओं को लोग बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां मान लेते हैं। हर कथा में बोधिसत्व का एक नया चरित्र उभरता है। यह पिछली कथा वाले बोधिसत्व का पुनर्जन्म हरगिज नहीं है। हर कथा में एक जातक यानी एक लड़का, एक नया लड़का जन्म ग्रहण करता है। उसका दूसरी कथाओं के जातकों से कोई लेना देना नहीं। सभी लड़के बोधिसत्व बताए गए हैं। कहानी में वर्णन की गई परिस्थितियों से बोधिसत्व बुद्ध का ही प्रतिनिधि है ऐसा आभास होता है। वह बुद्ध का पूर्व जन्म नहीं है। पुनर्जन्म को कैसे समझते हैं डॉक्टर सेठी, आइए सुनते हैं। जिसलिए जेड़ी चीज वास्ते तुसी तैयार होंगे हो ना, हाँ, वाहेगुरु थानू, क्योंकि इवोल्यूशन इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स जी। एवरीथिंग इवन नॉन लिविंग, जिन्हों आप नॉन लिविंग, वैसे यूनिवर्स कुछ भी नॉन लिविंग नहीं जी जी। तो एवरीथिंग इज इवॉल्विंग एट इट्स ओन पेस। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग दे विच की है सानू दात दित्ती दाते ने कि असी एवोल्यूशन इज नॉट ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक भी है बट वी कैन एक्सेलरेट अवर एवोल्यूशन कॉन्शियसली जी बाय सीकिंग इट आउट, इनवाइटिंग गुड थिंग्स इनटू अवर लाइफ। अच्छा जी। इट इज इनवाइटिंग गुड थिंग्स, गोइंग फॉर देम, गोइंग आउट, सीकिंग आउट, सीकिंग आउट जी, उसके पीछे जाना पैंदा, सीक आउट करना पैंदा जी सर जी। ते ये थानू अपने जेहो जे बंदे मिल जाते हैं, अपने जेहो जे बंदे बिल्कुल सेम थॉट वेवलेंथ से नो। सो लाइफ इज ए जर्नी एंड लाइक ऑल जर्नीज द क्वालिटी ऑफ जर्नी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेस्टिनेशन बट इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ कंपनी। इफ यू हैव राइट कंपेनियन द क्वालिटी ऑफ योर जर्नी एंड ट्रेवलर इज द वन हु एक्सेप्ट्स वेलकम्स एवरीथिंग जी, एंजॉयज एवरीथिंग जी, एंड द टूरिस्ट इज वन हु सेलेक्ट्स। सही, करेक्ट। तो असल से ऐसी ट्रेवलर यहाँ देखा जाए, ट्रेवलर स्पिरिट, ट्रेवलर स्पिरिट होनी चाहिए। यू कैन हैव दैट ट्रेवलर स्पिरिट विदाउट इवन ट्रैवलिंग, नॉट नेसेसरी टू ट्रैवल। ट्रैवलर स्पिरिट वेर एवर यू आर, यू आर मीटिंग एवरी वन, सारा घर थोड़ा अपना है। बिल्कुल, द वर्ल्ड, यू बिलोंग टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जी सोच है जी, बस जिसले तुसी इत्थे पहुंच जांदे हो जी, फिर किसी चीज ना थोड़ा वैर नहीं। हाँ, वैर नहीं ते निरपो, निरपो हाँ, जो तो वैर नहीं ते निरपो, निरपो निर्वैर। सही, परसल जड़ी असली जो मतलब जातक कथा बारे ना, मैं भी कई बार पर कंफ्यूजन हो जाता है कि जो इन्ना लोग मान रहे हैं भी वो भगवान के पूर्व जन्म सीखे, तो पूर्व जन्म कुछ होंदा भी है कि नहीं भी होंदा? मैं थोन दस्या, गुरु जी खुद कहंदे ने कि पूर्व जन्म कोई ना भी मने जी, ते जेड़ा साड़ा बचपन सी वो तो साड़ा ही सी ना। हाँ, ते वो आज कित्थे है? सो देर इज लिंक, सेम सेल्फ इज नॉट बॉर्न। हाँ, ते उहदी सिमली देंदे ने जिवें आपां एक ट्री दा बीज है जी, ते बीज नू आपां फिर बोता,
इन ए वे इट इज द सेम ट्री द एसेंस हैज गॉन फ्रॉम दैट ट्री बट इट इज नॉट द सेम ट्री द सिमिलर थिंग हैपन विद अस कि जिहड़ा साडा एसेंस है साडे इंप्रेशंस ने जी वह कर्मा के रूप में कोडिड जिहड़े साडी चीज है वह अगे पास ऑन हो जाती है ते एवरी थिंग विच इज एक्सप्रैशन चाहिए तो सानू साडिया एक्चुअली दो ताकत होंदिया ने जी प्राण शक्ति ते इच्छा शक्ति जी ते इच्छा सानू नवा जन्म देंदी है ठीक है भी जिस तरह की आपां क्योंकि असी उहदे कतार दे हिस्से हाँ ते साडी एक एक इच्छा वह पूरी करदा ठीक है ते जे इच्छा तुसी कर ली इच्छा तुसी आज कीती है उनु पूरी करने ते थोड़ा हाथ है नहीं थोड़े कंट्रोल च है नहीं वो दो महीने च पूरी होए दो साल च पूरी होए दो जन्मां च पूरी होना उन्हें है ये दो जन्मां दा की मतलब हाँ हाँ कई इच्छा है इस जन्म नहीं पूरी हो सकती थोड़ी मान लो तुसी कोई शाहरुख खान वाली की बॉडी मिल जाए है ये मतलब फिर मेरा जन्म होगा उस इच्छा नु पूरा करने वास्ते मेरा जो तुसी आज हो जी वो तुसी इच्छा कीती है कभी अच्छा शाहरुख खान ने ये इच्छा कीती है कि मैनू जी मेरी ऐसी सोहनी बॉडी होए मैनू ते ओदी आज इस जन्म च पूरी हो गई अच्छा ते इस जन्म दा इदा मतलब फिर बार बार जन्म हो रहा है हाँ ते बार बार जन्म वो इच्छा दी पूर्ति ते जिसले इच्छा शक्ति प्राण शक्ति जे थोड़ी प्राण शक्ति खत्म हो गई ते इच्छा शक्ति इच्छावां बाकी ने ते उन्हां इच्छावां करके फिर थोनू ते जे थोड़ी प्राण शक्ति दे रहंदे रहंदे इच्छा शक्ति खत्म हो गई इच्छा खत्म हो गई नवी जन्म की जरूरत ही नहीं हुण ते जिहड़ी तन है डिजायरलैसनैस जी वो करना उत्थे पहुंचना जी ते जे जे मतलब डिजायर है ते ओह जन्म होना ही इहदा मतलब अगर प्रीडोमिनेट किया अपनी लाइफ दे विच वायलेंस अच्छा जन्म ही ऐसा मिल गया भी तू लै रज के वायलेंस कर अच्छा लस्ट है मान लो एक रैबिट की जोन के आदमी इन्हें बच्चे पैदा करता है पर लस्ट ही लस्ट है लस्ट ही लस्ट है तो जो थोड़ी प्रोमीनेंट भाव है जी एक्सप्रैशन है एनर्जी का जी वो थोनू बॉडी रब ओ जी दे दिंदा है कि भी उस बॉडी दे विच लै तू है करी रख अच्छा सूअर का मीनिंग हर जीव का मीनिंग है वो पिछे वो प्रीडोमिनेंट आलस का है तो उन्होंने आलस वाली जोन मिल जाएगी जिसे लेटर होगा रेस्टलैस है तो ऐसी जोन मिल जाएगी किनिया जोना ने कि सब कुछ है तो यह है कि भी तुसी अल्टीमेटली अपने थॉट और डिजायर और इंटेंशन इंक्लीनेशन जोड़िया हैं वो काबू करो कि मैं मतलब थोड़ा हर मोमेंट इस तरह बीते भी जिम्मे हम आप बैठे हाँ बैठ गए जी दिस मोमेंट इज कंप्लीट कंप्लीट का मतलब की है नथिंग रोंग नथिंग नीडिड नथिंग लैकिंग कंप्लीट है जी कुछ नहीं चाहिए हो फिर नैक्सट मोमेंट कुछ नहीं चाहिए हो फिर नैक्सट मोमेंट कुछ नहीं चाहिए हो कुछ नहीं चाहिए जिस नीड्स और डिजायर दे विच फर्क नीड्स बॉडी दी होंदियां ने डिजायर्स माइंड दी होंदियां जी जी बॉडी दी नीड्स की है भूख लगे थोड़ा खाने मिल गया सोन मिल गया कपड़े मिल गए वो तो चिड़िया तोते दी भी रब पूरी करता है डिजायर जेड़ी है वो वक्त है उन्हें समझ के पहला अनहोलसम डिजायर तो होलसम डिजायर ले आओ फिर होलसम डिजायर भी ड्रॉप कर तो यह मतलब फिर अगर इस तरह कहा जाए जातक कथाओं के संदर्भ में कि उस तरह जो बर्थ होए से वो अपनी पारमिता नू परफेक्ट कर रहा है परफेक्शन ह्यूमन बीइंग्स दे विच जिहड़ा साडा दोष ना रहे जी साडे च मैल ना रहे क्योंकि जो बनान वाला प्योर है प्योर एंड परफेक्ट है ठीक है सर उन्हें सानू प्योर एंड परफेक्ट बना के भेजे goal of human life is to regain that purity and perfection jinni mail hai hat je ji sir te ode varge matlab wo wapas usse original shape vich assi aa jaiye te goal
ਮੈਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ, ਉਤਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਓਨੀ ਓਨੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਓਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਤਕ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੁੱਝਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏ। ਰੋਚਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜੰਤਾ ਕੇਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਫੜੋ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਕੋਟ ਕੀ ਹੈ? Events happen ji and deeds are done ji, but there is no doer thereof. Events happen ji, deeds are done ha, but there is no doer thereof ji ji, karta asi nahi hai. So we act but we are not the doers. Jime ek electricity ji, ikko electricity hai, wo do nahi hai ji, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਜੀ ਸਰ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਛੋੜ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਇਹ ਛੋੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋੜ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਛੋੜ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੀੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੁੱਧਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅਜੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਡੂਅਰ, ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਨਿਮਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਿੱਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਿੱਤ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਿੱਤ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਖੇਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਵਾਏ ਕਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵਾਈਨ, ਅਵਰ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਪਿਓਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲ
मैल वाला काम नहीं करना, बस और कि यही साथ में यही सब कुछ और सारे ग्रंथ आ गए सारा हाँ। एक टाइम तक बंदे नाल मिलना वो बंदे नाल थोड़ी मीटिंग दी क्वालिटी की है वो थोड़े उन्हों वीआईपी समझ के के भाई वो देखो ना बट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम नाउ हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हु इज विद यू व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी टू डू गुड टू हिम गल खत्म हूँ बाकी तो उन्होंने तुम लिव करना कभी कर पाओगे सत श्रीकाल जी गुड मॉर्निंग सर देखो किन्ने हैंडसम बंदे आ गए साढ़े नाल देखो तो ना अस बोलते फिर भी चल जाना सी काम उन्होंने वाले एक चीज होर सोच पहुंच गई वो पहुंच जाती वो तुम मौका ही नहीं छड़ना मतलब जब तक तुम गहरी नींद नहीं हो। अच्छा हुण सर एक दूसरा प्रश्न आंदा है कि वह किन्ने सीगे उहदे जन्म किन्ने सीगे मैं तुम दस्सां हर क्षण नवा जन्म नहीं सर मतलब उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टू जातक कथा नहीं मैं जातक पढ़िया नहीं जी सर लेकिन जो लिखा गया है 547 जो भी है जी सर जी असी हुण मैं जिस तरह का बंदा अज हाँ जी तो मैं अपनी जी मेरी अवेयरनैस है जी वो वाहेगुरु की वजह नाल मतलब उन्हें मेहर की हुई है जी तो मैं घर व्डा सी तो 12-12 रोटियां मैं एक बारी तो माँ कहती सी बाद खा ली मैंने उन्हें खाँदा सी जी हूँ उ मैं तो हूँ रोटी वाल रोटी रहन दे जी तो एक किस्म का नवा ही जन्म होया ना ते उस रूप तुम देखो तो हर क्षण थोड़ा माल मेरा मालक नीत नवा पुराना है ही कुछ नहीं पुराने दी सिर्फ मेमरीज ने वट आर मेमरीज थॉट्स थॉट्स आर नॉट पर्सनल थॉट्स आर जस्ट थॉट्स दे आर नॉट माई थॉट्स जी सर ते उस हिसाब नाल कि तुसी इस तरह दस सकदे भी मेरा पिछला जन्म ए सीगा या मेरा अगला मैं लोड़ नहीं जिसलिए आदमी मन नू किसे पासे तुसी चलाना है जिस प्रेजेंट मोमेंट दी थोड़ी पावर है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट दे विच तुसी नवा कुछ ऐसा करो बजाय उस मन नू मैं पिछे की सी तुसी थानू पता लग भी गया तुसी लभ्या की मैं उस तुसी मिलया की थानू जी तो खराब तुसी प्रेजेंट मोमेंट होर खराब कर प्रेजेंट नहीं नहीं अपने मन नू चलन ही नहीं देना मैं चलन ही नहीं देना किसी होर पासे मेरे वास्ते ए मोमेंट रियल है ते एदे विच मैं जो करना मैं कर दिया उन्हें पास्ट मेरा बन जाना जिसले मैं अपने आप नू ए ट्रेनिंग दे ली कि मैं प्रेजेंट दे विच मैं बेस्ट करना है ते मेरे तीनों काल सुधर गए किवें प्रेजेंट ने पास्ट बन जाना जिसले पास्ट वाल देखांगा मैं कुछ प्रेजेंट विच भेजा ही नहीं पिछे जिहड़ा मैनू गलत होए पास्ट सुधर गया प्रेजेंट विच मैं सुधारदा ही पिया ते जिहले फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट मैं आदत ही हो जी पाई है कि भी जिहड़ा फ्यूचर मर्जी आ जाए इह लंघना इत्थों ही है इहनू मैं जान नहीं देना तीनों काल सुधर गए मैं अपने मन नू किते होर चलन नहीं देना चलन ही नहीं देना जेड़ी गल जेड़ी कन्वर्सेशन जेड़ी चीज मेनू इस पासे अगे एक स्टेप मेनू नहीं ले जाएगी वाहेगुरु दे वाले पासे बस मैं जन मन नू चलना नहीं देना बिल्कुल अंदर ना इस पासे ना इस पासे ना इस पासे बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं डिस्कशन तुसी मैनू कहो जा तक मैं कहूंगी जी कागज का हुण इस वेले दी गल करो नाओ नाओ How can I thank you enough, my dear? Thank you. Bless you. Bless you.